नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है सिविल प्लस आईटी टेक्नो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिक्योर के बारे में। सिक्योर एक गवर्नमेंट साइट है दोस्तों, यहाँ पे इंजीनियर्स अपने एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं और जो भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चला होता है उसका काम यहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें सिक्योर की साइट पर जाना है, ये हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे इंडिया का सिंबल लगा और ये सिक्योर लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी जो फुल फॉर्म होती है सिक्योर की, वो है सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जनरेट किया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा काम किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आज मैं आपको बताऊंगा ओवरऑल व्यूज क्या है इसके, इसकी स्थापना कैसे हुई थी, इसको किसने शुरू किया था। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सिक्योर एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि डेवलप की थी NIC केरला ने, जो कि कुछ स्टेट्स इस मिशन में शामिल थे उनके हेल्प के साथ। तो दोस्तों जो केरला स्टेट है उसने सबसे पहले इसमें एस्टिमेट बनाया था और इसका जो डेवलपमेंट थी वो केरला की स्टेट ने की थी, जिसकी मैं NIC बता चुका हूँ आपको। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहला केरला स्टेट में हुआ था और उसके बाद में ये अदर स्टेट में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो अप्लाई की गई थी, जो कि नवंबर 2016 की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो प्रेजेंटेशन थी एक सिक्योर की, वो केरला गवर्नमेंट ने प्रेजेंटेशन मीटिंग डिसाइड की थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा हुई थी। तो इसको रिप्लिकेट करने के लिए एक वर्कशॉप जनरेट हुई थी जो कि नेशनल लेवल पे हुई थी। तो इस वर्कशॉप में 21 स्टेट्स के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ये वर्कशॉप अगस्त में 23 से लेकर 24 अगस्त को हुई थी 2017 के बीच में, और जिस जगह पे ये हुई थी वो थी उदय समुद्र कोवालम केरला। ठीक है दोस्तों, तो इस मीटिंग में या वर्कशॉप में जो ज्वाइन होते वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के कुछ मेंबर्स ने ज्वाइनिंग की थी, उसके साथ में स्टेट्स के मेंबर्स थे जो कि मनरेगा के अकॉर्डिंग या फिर मनरेगा का काम करवाना चाहते थे या इस मिशन में शामिल थे। ठीक है दोस्तों, तो इस मिशन के जब वर्कशॉप कंप्लीट हुई तो इसके जो जिसने इसको परमिशन दी या जिसने कहा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इंजीनियर्स के लिए, तो इसमें कुछ हेडक्वार्टर और स्टेट के यूनिट्स थे जिन्होंने इसको अप्रूवल दिया था NIC टीम के साथ मिलकर। ठीक है दोस्तों, इसमें जो ज्वाइंट सेक्रेटरी था जिसने इसमें पार्टिसिपेट लिया था वो थे हमारे MS अपराजिता सारंगी AIAS। ठीक है दोस्तों, जो कि जिन्होंने फीडबैक ली थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट को और उसके साथ ही इन्होंने बातचीत की थी 21 स्टेट्स के जो इंजीनियर्स वहां पे आए थे अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनसे फीडबैक ली थी। तो जिसकी वजह से उन्होंने की तरफ से एक पॉजिटिव फीडबैक आई कि हाँ, ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को हमें पूरे ओवरऑल इंडिया में एप्लीकेबल कर देना चाहिए और इससे जो स्पेसिफिक वर्क फ्लो है और जो रेट हैं जो हम अलग अलग स्टेट्स में अप्लाई करते हैं मटेरियल्स पे, एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट्स हो गए, उसके अलावा स्टील, बहुत सी प्लास्टिक या फिर जो भी आप GI शीट्स यूज़ करते हैं, काफ़ी तरीके के मटेरियल्स थे जिनके रेट्स अलग अलग स्टेट में काफ़ी अलग अलग थे और उनका जो वर्क चार्ट बनता था या जो वर्क फ्लो था वो उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, जो कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि NIC केरला स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, इसको क्रिएट किया था। ठीक है दोस्तों, इसकी डेवलपमेंट की थी। तो दोस्तों ये जो सिक्योर है ये ओवरऑल अभी सभी स्टेट्स में काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें 635 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अक्रॉस 24 स्टेट्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्टेट्स है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से स्टेट इसमें अभी हैं, एक्टिव हैं, जो यहाँ पे हमें दिखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले असम है, उसके बाद बिहार आ गया, फिर छत्तीसगढ़ है, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके साथ ही दोस्तों ये अपने इस
नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट वे के आ गया, यहाँ पे मणिपुर आ गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और लास्ट में हमारा आ गया यहाँ पे बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को आपका देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ उसके मैं पूरा इसके स्कोर के बारे में बताऊंगा आपको, उसके साथ ही आपको मैं इसमें बताऊंगा कि आप इसके बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं, इसको सीखना क्यों जरूरी है। दोस्तों ये गवर्नमेंट का एक एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही पता होती है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन स्टेट्स में काम कर रहे हैं, जो JEE लेवल पे हैं या फिर टेक्निकल असिस्टेंट लेवल पे हैं, ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में हमें चलाना इसको थोड़ा मुश्किल होता है, इसका कैसे यूज़ करना है उसके बारे में मैं आपको मेरे नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ पे काम करेंगे और क्या क्या इस पे यूजेबल है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।